एक और दैत्य आया तीन महीने के पश्चात। उस दिन भगवान करवट बदल लिए थे, मैया यशोदा को तो एक न एक कारण चाहिए कुछ करने के लिए, उत्सव करने के लिए। तो भगवान ऐसे पौढ़े हुए थे, भगवान ने करवट बदले, मैया यशोदा के आनंद का पारावार न रहा। मैया यशोदा कहने लगी, अरे सखी तुमको पतो है आज मेरे लाला कन्हैया ने करवट बदल लियो है, करवट बदलवे को बुलवा है, सब कोई आओ और खूब मालपुआ बनाओ, खूब नाचो गाओ और मेरे श्याम को मनाओ और खूब मालपुआ को प्रसाद पाओ, सबर को घर भर को निमंत्रण गई। अब क्या करें? तो अच्छा तुम लोग रुको, हम व्यवस्था करती हैं। तो मैया यशोदा ने दूध दही का जो मटका है वो सब ले जा करके घर के दरवाजे के बाहर में छकड़ा खड़ा था, आपने देखा हो बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, वहीं पर उसी के ऊपर में सब दूध दही के मटका रख दिए और नीचे वस्त्र डाल करके भगवान को पौढ़ा दिया। और आकर के कहने लगी, अरे सखियों अब तो खूब सोहर गाओ, खूब मंगल गान करो, अब कहने की कोई बात नहीं। भगवान ने सोचा बाहरी मैया यशोदा हमारे नाम का तू हमारे नाम से तो तू उत्सव मना रही है पर हम ही को घर से बाहर कर दिया, पहचान रहे हो भाई हम ही को बाहर कर दिया। अब इधर भगवान को भीतर तरह तरह की बधाइयां होने लगी। किसने आएगा? मैया ने कहा देख मैं बाहर में छकड़ा के नीचे अपने कन्हैया को पौढ़ा करके आई हूँ, इसलिए तुम लोग तनिक धीरे धीरे गाओ, हमारो लाला जग जाएगा तो